जलाशय में जब 50,000 सफेद डाक घूमेगी कितना सुंदर लगेगी, और उससे रिसाइकल होती है ऑक्सीजन का, मछली के लिए भी अच्छा होता है, उसके फीड मिलता है। ये हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव। इनके नए ज्ञान ने पूरे देश के लोगों को हैरान कर दिया है। लोगों को बीजेपी के इस युवा मुख्यमंत्री के जरिए पता चला कि बतख भी कितने काम की चीज है। पहले एक बार फिर से सुनिए बिप्लब देव ने क्या कहा। जलाशय में जब 50,000 सफेद डाक घूमेगी कितना सुंदर लगेगी, और उससे रिसाइकल होती है ऑक्सीजन का, मछली के लिए भी अच्छा होता है, उसके फीड मिलता है। मुख्यमंत्री जी के मुताबिक पानी में तैरने वाला ये सुंदर सफेद पक्षी न सिर्फ झील का सौंदर्य बढ़ाएगा बल्कि पानी में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन भी बढ़ाएगा। बात यहीं खत्म नहीं हुई, सूबे के बेरोजगारों को भी बतख में मुख्यमंत्री जी ने रोजगार की संभावना दिखा दी। और ऐसा करके इसको कम से कम मेरे हिसाब से 8-10 करोड़ का रोजगार स्थानीय लोगों को अपने आप उसी से मिलेगी। मतलब आज तक बतख में भी नौकरी की संभावना किसी अर्थशास्त्री ने शायद ही तलाशी हो, लेकिन बिप्लब देव की विलक्षण प्रतिभा ने बतख में त्रिपुरा की कई समस्याओं का इलाज खोज लिया। बीजेपी के इस युवा मुख्यमंत्री की गजब की मेधा से आम आदमी हैरान है, वैज्ञानिक दंग है। ऐसा नहीं है कि बिप्लब देव ने पहली बार लोगों को हैरान किया हो, पहले भी वो कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में आ चुके हैं। वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था, तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। संजय के आंख से कैसे देख सकता वो, उसका मतलब टेक्नोलॉजी थी। बिप्लब के बतख ज्ञान से पहले उनका इंटरनेट ज्ञान भी विवादों में था। उन्होंने दावा किया था कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इंटरनेट महाभारत काल से ही वजूद में था। उनके सौंदर्य ज्ञान पर भी जमकर चर्चा हुई जब उन्होंने कहा कि डायना हेडन नहीं, ऐश्वर्या राय इंडियन ब्यूटी हैं। संघ की शाखा से निकलकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे बिप्लब देव बेरोजगार युवाओं को नौकरी की जगह पान की दुकान खोलने तक की सलाह दे चुके हैं। अब बिप्लब के बतख ज्ञान का वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, नेता और आम लोग अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं।